तो ये है हमारा नया क्वेश्चन जो कि दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। इसका पहला पार्ट है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ऑल्दो हम कोर्स में फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, बट एक स्लाइट आइडिया लेने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ये रिलेटिव इसलिए बिकॉज फील्ड लाइन कोई कितनी भी ड्रॉ कर सकता है, तो एक रिलेटिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे हम सेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। सेकेंड, राइट द एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है? फाई ई इज इक्वल टू ये ई डॉट डी एस, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देन बेटा इस फॉर्मूले से ही हम यूनिट निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलाम एंड एरिया की होती है बेटा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अकेले जब ये आता है तो 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट में। बी पार्ट जो लिखा है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसकी वैल्यू 3 × 10³ है, और बेटा ये आई कैप मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, हम जानते हैं कि आई वेक्टर जो होता है हैट वाला यानी आई कैप, ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर सरफेस जिसका एरिया 10 cm² है। हमें फ्लक्स निकालना है, फॉर्मूला जो अभी ऊपर लिखा था वही यूटिलाइज होगा, बट एरिया दे रखा है 10 cm². फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एरिया को, क्योंकि एसआई यूनिट में ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एमकेएस सिस्टम में, तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में ना रखते हुए हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसमें जो फंडामेंटली बच्चे सबसे पहले गलती करते हैं बेटा वो ये कि वो 10 cm² को क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि भाई 0.1 m². अब भाई ये गलत हो जाता है बेटा, बिकॉज 10 cm² जब उन्होंने लिखा है तो यानी वो जो स्क्वायर है वो 10 cm का था दोनों हर साइड उसकी। तो इसको एक परफेक्ट तरीका है, अब छोटे बच्चों को तो अलग अलग तरीके से बता देते हैं, बट यहाँ पे इसको करने का तरीका है कि आप सीधा लिखिए 10 और ये सेंटीमीटर जो आ गए इसी को मीटर में कन्वर्ट करिए। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 या कह लो 10^-2 m। तो आप देखो 10 इसको लिखा मैंने -2 m और फिर इस सेंटीमीटर की वैल्यू लिख दी यहाँ पे और फिर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 10 × 10^-4 m² जो कि लास्ट में बन गया 10^-3 m². ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट मैं अब इसे 10 cm² ना बोल के सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 10^-3, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10^-3 m². ठीक है, तो ये तो हमने एरिया को कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन पे आया था, लिखा है फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस एरिया के लिए पर्टिकुलर। पहले केस में ये एरिया का जो प्लेन है यानी जो प्लेन है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, तो सबसे पहले एक्स वाई जी एक्सिस वी हैव टू ड्रॉ। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो ये जो आपका प्लेन है ये वाई जेड प्लेन में, सबसे पहले बेटा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक्स वाई जेड एक्सिस को जब आप ड्रॉ करते हैं ना तो हमेशा राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉलो करना है आपको। जैसे आप कहीं भी बच्चे जब हम छोटे होते तो हम रैंडमली कहीं भी एक्स वाई जेड को ड्रॉ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको एक्स वाई जेड आपके राइट हैंड सिस्टम यानी अगर आपने एक्स डायरेक्शन में अपने हैंड को जो है पॉइंट आउट किया फिंगर्स को और वाई की डायरेक्शन में अगर आप कर्ल करते हैं तो थंब आपका जेड डायरेक्शन देना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x इस तरफ है, y ऊपर लिया है मैंने, तो z मेरा स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम वन डायमेंशन में दिखा नहीं सकते, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे दिखाया। ठीक है, इसका मतलब है बाहर ही आता हुआ। अब यहाँ पे पहले केस में जो प्लेन है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, तो देखिए यहाँ पे वाई जेड ये था यानी वाई जेड कुछ इस तरीके का हिस्सा है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये प्लेनर ऑब्जेक्ट लूँ मेरा फ़ोन, तो वाई जेड प्लेन ऐसा है बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने फ़ोन है, तो इसके पैरेलल में क्योंकि कोई लोकेशन गिवन नहीं है स्पेसिफाइड, मैं इसको कहीं भी रख सकता हूं। तो मैंने देखिए थोड़ी दूर इस वाई जेड प्लेन के लिए ये बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है ऊपर, देखो ये वैल्यू गिवन है उसकी 3 × 10³, और एरिया वेक्टर देखो। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर कोई क्लोज सरफेस हो तो बेटा उससे तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करता होगा, यानी मैं स्पेयर ले लूं और मैं बोलूँ उससे एरिया वेक्टर पॉइंट करो सरफेस वेक्टर, तो हमेशा बाहर की तरफ होंगे। लेकिन ये क्लोज फिगर तो है नहीं, ये एक प्लेनर है, तो प्लेनर फिगर के साथ क्या लॉजिक है कि प्लेनर फिगर के साथ हमेशा एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन की तरफ आप परपेंडिकुलर टू द सरफेस बना देंगे, खास करके इस प्लेनर सरफेसेस के लिए। देखिए फील्ड इधर जा रही है तो आपका एरिया वेक्टर भी आपने इस एरिया का ऐसे बना दिया इसके सरफेस से।
अगर बाई चांस फील्ड इधर जा रही होती तो आप एरिया वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो अभी वहाँ आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही थी, आपने ड्रॉ कर दिया। तो अभी आपके पास देखिए ये फील्ड भी है जो कि इटसेल्फ आई डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर भी है जो भी आई डायरेक्शन में है। अब आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन और ए पार्ट क्योंकि हम कर चुके हैं, बी पार्ट फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ये ई डॉट डी एस, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जनरली जैसे अगर मैं करना चाहूँ, बिकॉज यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है तो इट कैन बी ईजिली टेकन आउटसाइड, भाई इंटीग्रेशन के अंदर लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डॉट लिखा और ये डी एस बचा बेटा। अब देखो डी एस भी क्योंकि इस केस में सिंस एरिया इज फ्लैट, तो हमें पता है कि टोटल एरिया जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, 10^-3 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पे एंड ई इज यूनिफॉर्म, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है तो वो बेटा वो बाहर भी आ गई है ई की वैल्यू, ई यूनिफॉर्म है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस हो जाएगा ई डॉट एस, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, यानी अब हमारा जो काम है वो बड़ा आसान है कि हम बस क्या करें, यहाँ वैल्यूज डाल दें। ई की वैल्यू कितनी है, 3×10^3 आई कैप और डॉट, एरिया वेक्टर कितना हो गया, वहाँ भी लिखा था 10^-3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हम बाद में उसे कर लेंगे। अब ये देखिए 10^3 और 10^-3 कितना हो गया बेटा, ये सीधा आंसर आ गया 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके सामने देखो फ्लक्स का एक आंसर जो बी पार्ट का था वो आराम से आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया आपको बेटा, देखो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है। इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, कई कई अलग लैंग्वेज है, जैसे बी पार्ट में आपको पता चल जाएगा। बी पार्ट क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है पहले केस में तो आपने फ्लक्स निकाल दी, दूसरे केस में फ्लक्स निकाली है जब इस सरफेस का, ठीक है एक मिनट रुके, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो 60° का एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री पे तो यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, लेकिन आपसे बोल रखा है इसका प्लेन 60° का एंगल बनाता है विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस बात को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60° एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब पहले तो यहाँ पे इसे समझ लो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बिकॉज हम अब दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे। देखो बेटा अभी एक्स एक्सिस के साथ इसका जो नॉर्मल है वो एंगल बना रहा था आपका 0°। अब बोल रखा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60°। अब 60° एंगल बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो थोड़ा ऐसे मूव कर जाए 60° ऐसे, तो दोनों ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें बस वो 60° एंगल का लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन में वहाँ पे प्लेन की जगह पे जो कॉइल है या फिर जो लूप है या स्क्वायर सरफेस है उसका एंगल बोल रखा है, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है। बट यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे बोल रखा है ये जो नॉर्मल है अभी 0 बना रहा था, जब 60 बनाएगा ऐसे या ऐसे तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी। तो देखिए आगे चलते हैं, यही डायग्राम रहेगा, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायग्राम को दिखा के कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये इसका मेरे ख्याल से बी का सेकंड केस है। तो हम देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कर देंगे कि फाई ई इज इक्वल टू वही ई डॉट डी एस, और क्योंकि सरफेस फ्लैट है तो हमें पता है वो किस में बन जाना है बेटा, ई डॉट एस में। अब ये बनने के बाद हमारे पास सीधा ये फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा 3×10^3, यहाँ पे तो आई डायरेक्शन में था लेकिन यहाँ पर मैं अभी इसको जो है इस तरीके से नहीं, मैं ऐसे लिखूँगा ई एस कॉस थीटा, बिकॉज अब दोनों आई आई डायरेक्शन में नहीं है तो मैं क्यों कॉम्प्लिकेसी बढ़ाऊँ, मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में लिख देता हूँ। इंटू एस की जगह पे क्या आया था हमारा 10^-3 और कॉस 60° बेटा, ठीक है। अब बस ये हो गया 3×10^3, ये तो चलो वही 3 आ जाएगा, ये दोनों पावर्स ऐसे कट जाएंगी 3, और यहाँ पे कॉस 60° बेटा, कॉस 60° की वैल्यू होती है हाफ, और ये आ गया आपका 1.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड केस के लिए भी फ्लक्स आ गया। अब आप चाहें तो इसे जैसे वेक्टर मेथड से था पहले ये, मतलब आई आई कैप में लिखा था, तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज बच्चों आई
जो है आई कैप या जे कैप ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस होती हैं, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमने यहाँ पे आई जे के टर्म में लिखा तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वो एंगल हो जाएगा आई कॉस 60 डिग्री, तो आप देखो कि कैसे उससे आप मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने, वो आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ, देखते हैं आप लोग कितने आसानी से आंसर, तो यही आना है उससे भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत ही एक शॉर्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑलवेज जो है बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन तो मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। कि मैं बताऊं कम से कम पिछले 15 सालों में ये 6-7 बार पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।